अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों मेरे पास एक खबर आई, मौलाना तारिक जमील साहब के साथ बड़ा हादसा पेश आया है, दुख भरा दर्द भरा। मैंने जब ये सुना तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने इसकी तहकीक करी, मैंने रिसर्च करी, मैंने करीबी लोगों से जानने की कोशिश करी तो मुझे पता चला कि ये बात सच है। मौलाना तारिक जमील साहब को सुबह 3 बजे जब वो वॉशरूम गए तो ब्लड प्रेशर कम हुआ, चक्कर आने लगे, वॉशरूम में वॉश बेसिन के सामने मौलाना तारिक जमील साहब गिरे और गिरते वक्त मौलाना तारिक जमील साहब की जो ठोड़ी है वो वॉश बेसिन पे लगी, जिससे बहुत ज़्यादा खून बहा। खून 2 से तकरीबन 1.5 घंटे बहा, खून 1 से 1.5 या 2 घंटे खून बहा, और खून किस कदर बह गया होगा 1.5-2 घंटे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसी वजह से मौलाना तारिक जमील साहब की कमज़ोरी में इजाफा हो गया है। ख़ुद पहले से मौलाना तारिक जमील साहब दिल के बहुत बड़े मरीज़ हैं, हार्ट अटैक भी आ चुका है मौलाना तारिक जमील साहब को। आप लोगों से गुजारिश है कि ये इंसान एक ऐसा लाडला और प्यारा इंसान है, इसको गैर मुस्लिम लोग तक मोहब्बत करते हैं। पंजाब के सभी पंजाबी मौलाना तारिक जमील साहब को, बावजूद कि वो गैर मुस्लिम है, मोहब्बत करते हैं, रिएक्शंस वीडियो बनाते हैं मौलाना तारिक जमील साहब के लिए। आपसे गुजारिश है कि कम अज़ कम मौलाना तारिक जमील साहब के लिए अपने दोस्तों से भी और ख़ुद भी अपने घर वालों से भी एक पारा कुरान शरीफ का, एक पारा या आधा पारा पढ़ के दुआए सेहत की अल्लाह से रो कर, या जिस भी अंदाज में आप दुआ कर सकते हैं करें। देखिए जिस कदर आफत बढ़ती जा रही है उस कदर उलमा दुनिया से उठते जा रहे हैं, दुनिया से उलमा उठते जा रहे हैं। आप इस पे नज़र डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े उलमा जिनको अल्लामा कहा जाता है वो लोग दुनिया से जा चुके हैं और ये सिलसिला जारी है। हम मेरी आपसे गुजारिश है, दुआ करें अल्लाह तबारक व ताला हमारे बकिया मुफक्किरीन को, उलमा किराम को, हमारे दीनदार लोगों को तादेर उनको हमारे ऊपर साया अता फरमा, तादेर उनका साया उम्मत मुस्लिमा पर और तमाम दुनिया पर अता फरमा। मौलाना तारिक जमील साहब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं, बहुत प्यारे हैं। ये मौलाना तारिक जमील साहब एक ऐसी शख्सियत है कि इन्होंने हमेशा जो पैगाम दिया है बयानात में वो मोहब्बत वाले और बड़े मीठे अंदाज में, प्यारे अंदाज में पेश किए हैं। मौलाना तारिक जमील साहब इस वक्त बहुत अच्छा और बहुत प्यारा काम कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इनके लिए दुआ में कोई कमी ना रखें, इसको सभी भाइयों तक पहुंचा कर कहें कि वो ज़रूर इस मौलाना तारिक जमील साहब के लिए दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।